पार्टियों के उम्मीदवार बनने की उम्मीद में लोग लगातार संपर्क चला रहे हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं संजय अग्रवाल जी से, जो कांग्रेस उद्योग प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष हैं और शहरी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट के उम्मीदवार बनने के इच्छुक हैं। संजय अग्रवाल जी, आप अशोक तंवर के काफी नजदीकी रहे हैं और लोगों का कहना है कि अशोक तंवर जो है अभी इस चुनाव में हुड्डा और शैलजा के आने के बाद कट से गए हैं, और आपके टिकट मिलने की क्या संभावना है? ऐसा जी, पहले डॉक्टर अशोक तंवर हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे और आज शैलजा जी हमारी अध्यक्ष हैं। ये तो पार्टी का हाईकमान का फैसला है। 5.5 साल डॉक्टर साहब अध्यक्ष रहे जी। पार्टी ने बदल दिया, आज शैलजा जी को बना दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। जो टिकट के लिए डिजर्व करता होगा पार्टी उसको टिकट देगी, विनिंग कैंडिडेट को टिकट देगी। कोई गुटबाजी नहीं है। तो सिर्फ विपक्ष का दुष्प्रचार है, अब पार्टी गुटबाजी में बटी हुई है, उसके बंदों को टिकट नहीं मिलेगी, उसको ये नहीं होगा। लेकिन जो पार्टी को जीता हुआ कैंडिडेट लगेगा, चाहे वो तंवर साहब के साथ हो, चाहे शैलजा जी के साथ हो, चाहे हुड्डा साहब के साथ हो, उसको टिकट जरूर मिलेगी। और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि सबके साथ, सबको पता भी, आज पानीपत शहर से हमारे साथ पूरे जितने भी शहरी लोकल कांग्रेस उम्मीदवार हैं, अगर आपको टिकट मिलगी तो आपकी आगामी रणनीति क्या रहेगी? क्योंकि समय बहुत कम होता है, टिकट मिलने के बाद आपके आगामी रणनीति क्या रहेगी, कैसे चुनाव लड़ेंगे? रणनीति क्लियर है जी, हमारे हर वार्ड में बूथ लेवल पर हमारे पास कार्यकर्ता तैयार है। हर बूथ पे हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं और हम बढ़िया तरीके से चुनाव लड़ेंगे, पूरी तैयारी है हमारी। शहर के किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे आप? मुद्दे बहुत हैं जी शहर के अंदर, बताएं। पिछले 5 साल में जो शहर की दुर्दशा हुई है उसको ठीक करना है। चाहे नंबर वन ड्रेन का मुद्दा हो जो आज तक कवर नहीं हो पाई, जो पिछले कई सालों से लगातार मुद्दा बना हुआ है, चाहे जाम की समस्या हो, जल भराव की समस्या हो, स्वच्छता अभियान की समस्या हो, उद्योग धंधों की हो, पार्कों की हो, डेयरी शिफ्ट करने की समस्या है, और सबसे बड़ी समस्या हमारे उद्योग धंधों पे आज जो तलवार लटकी हुई है डाइंग हाउसों पे, उन समस्याओं को दूर करने के लिए हम बिल्कुल जी जान से कोशिश करेंगे। आपको बताऊं कि पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने प्रचंड बहुमत से चुनाव जीता था। यहाँ से संजय भाटिया बने हैं, सांसद बने हैं, और भाजपा जो है उसको कैसे टक्कर दे पाएंगे आप? अभी 3-4-5-6 महीने पहले की बात है। मुद्दे अलग अलग होते हैं, जो राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया था ये क्षेत्रीय मुद्दे हैं, और अब की बार पिछले 5 साल से देख ही रहे हैं लोग शहर में क्या हालत होगी है, प्रदेश की हालत क्या होगी है, चाहे यहाँ मोटर व्हीकल एक्ट हो, और लोगों के रोजगार तो दिन पे दिन खत्म ही होते जा रहे हैं। ये जो चुनाव होगा क्षेत्रीय मुद्दों पर होगा, और इस बार कांग्रेस 100% वापसी करेगी। उद्योगपति हैं आप और कांग्रेस में उद्योग प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष भी हैं, अब तक उद्योगों से जुड़े कितने मुद्दे आपने उठाए हैं, और जो उद्योगपतियों के मुद्दे हैं ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर तुरंत काम होना चाहिए, तुरंत हल होने चाहिए? उद्योगों से जुड़े हुए हम लगातार मुद्दों को उठाते रहे। सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे पास पानीपत की जो सबसे बड़ी परेशानी डाइंग हाउसों की है, जो इस सरकार ने पिछले 4-5 दिन पहले एक फरमान जारी किया है भाई, 1-2 लाख लीटर तक 60 रुपये प्रति 1000 लीटर, और 2 लाख से ऊपर 120 रुपये प्रति 1000 लीटर जो हम जमीन से पानी निकालेंगे ढाई हाउसों के लिए आपको पे करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ एक नया तुगल की फरमान है कि जितना आप पास डिक्लेयर करोगे पिछले 5 साल का आपको उतना पैसा भरना पड़ेगा जुर्माने के तौर पर, जो किसी भी उद्योगपति के लिए संभव नहीं है। अगर हमारी सरकार आ गई तो हम इस चीज को बिल्कुल लागू नहीं होने देंगे, जो आज करंट के रेट होंगे लागू होंगे, और फिर हमारे को जमीन से पानी निकालने की जरूरत क्या है उद्योगपति को? मैं एक बात बार बार पूछता हूँ लोगों से, प्रशासन से भी, जब हमारा ड्रेन नंबर 1 है पानीपत में, ये सीधी जमुना में डालते हैं, एक तो हमारी जमुना प्रदूषित होती है जी। इसके ऊपर STP लगाओ, ZLDC उसको पानी को साफ करके वापसी नहीं है उसको दे दो ना, तो जमीन से पानी निकालना पड़ेगा,
हमारा ग्राउंड डॉक्टर भी सेफ और हमारे उद्योग धंधे भी सेफ, इन चीजों पे फोकस करने की जरूरत है और मैं इस काम को पहले 3 महीने में लागू करा दूंगा। भाजपा जो है वो उद्योगपतियों के लिए क्या काम कर रही है तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, उससे आप कितना संतुष्ट है कामों से? हाँ, काम तो कर ही रही है जी, उद्योग धंधों खत्म करने पर लगी हुई है दिन पे दिन, आप देख ही रहे हो। मेरे ख्याल से तो 25% पे आ गए होंगे लोगों के काम धंधे, ये तो सबसे बढ़िया काम कर रही है। लोगों को खाली बैठा के घर बैठा दो, काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी को। मान लीजिए आप जीत जाते हैं और केंद्र में भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भी 75 पार का नारा दे रही है भाजपा, तो भाजपा ने जो तैयारियां कर रखी हैं वो बूथ लेवल पे है, उन्होंने पन्ना प्रमुख भी बना रखे हैं, सब चीजें हैं। कांग्रेस की तैयारी, आपकी पर्सनल तैयारियां कैसे हैं इस मामले में थोड़ा बताएं? हमारा भी बूथ लेवल पे सब तैयारी कंप्लीट है जी, और आपकी और 75 पार में तो और तो भाजपा पार है, ये भी आप देख लेना। दिन पे दिन समीकरण बढ़ रहे हैं, लोग मोटर व्हीकल एक्ट से इतने दुखी हैं, और भी समस्याएं बहुत हैं। करा क्या आज तक पब्लिक के लिए, देखने वाली बात तो है ना जी। नहीं, मोटर व्हीकल एक्ट जो आप बता रहे हैं वो तो लोगों की सुरक्षा के लिए, सुरक्षा तो पहले भी हो रही थी जी, सुरक्षा तो एक हेलमेट सुरक्षा के लिए है, उसमें हेलमेट को हम भी कहते हैं भाई ठीक है हेलमेट का। अगर कोई भाई मोटरसाइकिल पे किसी काम से जा रहा है, अगर वो कागज घर पे भूल गया, पहली बात तो मोटरसाइकिल चलाता कौन है? ना तो कोई उद्योगपति चलाता बड़ा, ना कोई बड़ा अफसर चलाता, ना कोई बड़ा राजनेता चलाता, एक आम आदमी की सवारी है टू व्हीलर। अब वो बेचारा अपने बीवी बच्चों के साथ जा रहा है, एक बेटे को बाहर साथ में ले लिया जिसको 3-4 साल का है, उसका भी तीसरी सवारी का चलान हो गया, चलो वो भी एक बात। उसके बाद गलती से कोई कागज घर पे रह गए, आप तो सुनाई करता नहीं ना कोई भी, 10,000 रुपए का चलान काट दिया बेचारा, लड़ झगड़ के तो मोटरसाइकिल किस्त पर ली उसने, अब उसको चलान भरने के लिए और किस्त लेनी पड़ेगी, ये बड़ा दुखदायी बात है। सिस्टम से चले तो अच्छा है, अगर हमारी सरकार बनती है तो उसको सबसे पहला हमारा कार्य यही होगा कि मोटर व्हीकल एक्ट को हम पहले रेटों पर लागू करेंगे हेलमेट को छोड़ के, क्योंकि हेलमेट तो सुरक्षा की गारंटी है। और मैं अपील भी करूंगा टू व्हीलर चालकों से कि भाई आप टू व्हीलर चलाते हुए हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। मजदूर किसान का मेरा वर्ग को लेकर जो सरकारी योजनाएं लागू हैं उनसे कितना संतुष्ट है और क्या बदलाव चाहते हैं? कोई स्कीम ही नहीं सर जी, 6,000 रुपए देते हैं उनको, 6,000 रुपए के बदले में वापसी क्या क्या लेते हैं देखो ना। हमारी सरकार में सिलेंडर 300 रुपए का देते थे हम हर आदमी को, आज सब्सिडी के नाम पर सिलेंडर 540 रुपए का दिया जाता है और बगैर सब्सिडी का 700 रुपए का, साल भर में उतने पैसे वापसी ले लिए। हम बिजली देते थे आप लोगों को 2 रुपये 21 पैसे में 200 यूनिट तक, ये लोग देते हैं 4.5 रुपये में, दे थोड़ा रहे हैं तो वापसी ले रहे हैं उससे, जरूरत क्या है हमारे को इतना। अब पहले क्रूड ऑयल था $121, आज $53, सिलेंडर वैसे 150 रुपये का होना चाहिए, ये तो सरासर लूट है लोगों को। आपकी सरकार है तो सिलेंडर 150 रुपये में कर देंगे हरियाणा में? 150 का नहीं, 300 का पक्का कर देंगे जी। नहीं, आप कह रहे हो 150 का होना, हाँ होना चाहिए, चलो अभी सरकार आएगी जब देखेंगे, कोशिश करेंगे उसको, लेकिन 540 वाला 300 का जरूर कर देंगे। महिला सुरक्षा को लेकर कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर आप कितने संतुष्ट हैं? कोई संतुष्टि नहीं है जी, जितने बलात्कार के केस अब बढ़े हैं मेरे ख्याल से जब से देश आजाद होया कभी नहीं हुए होंगे इतने। हमारी बहन बेटियां सड़क पे जा नहीं सकती कहीं पे, और सबसे बड़ी आज एक नई घटना सुनने में आ रही है, ये बच्चों को उठा के ले जाते हैं, रोज पकड़े जाते हैं लोग, तो बच्चे भी गलियों में खेलेंगे तो कहाँ खेलेंगे, अब वहां से बच्चे उठा लो, बच्चों का बहन बेटियों का घर से निकलना ही बंद हो गया। इसके प्रति तो सरकार बिल्कुल नेगेटिव है, बस नारा ही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हमारी सरकार आती है तो हम इसको बढ़िया तरीके से लागू करेंगे, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए हम अच्छे कदम उठाएंगे ताकि उनको अपना बाहर निकलने में कोई असुविधा ना हो। अगर आपको टिकट नहीं मिलती, दूसरा कंपटीटर ले जाता, तो क्या आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे? नहीं जी बिल्कुल नहीं, मैं तो कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ, मेरे को मिलेगी तो मैं सबसे अपील करता हूँ मेरे साथ लगे, अगर किसी और भाई को मिलती है तो मैं तन मन धन से उसके साथ लगूंगा, लेकिन रहूंगा हमेशा कांग्रेस के साथ और कांग्रेस के साथ ही लड़ाई लड़ता रहूंगा। धन्यवाद। मैं तो सियाद जी के आशीर्वाद से ही चुनाव में उतरा हूँ जी, और उनका पूरा आशीर्वाद मेरे साथ है और उनके ही आदेश से हम चुनाव मैदान में उतरे हैं और बिल्कुल हमारे साथ चलेंगे, कोई किसी पर क्या गर्व, और सभी कांग्रेस के जितने भी हमारे लोकल कार्यकर्ता हैं चाहे नेता हैं सबका खुला समर्थन हमारे साथ है, सबके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे,
और जीतेंगे और इस पानीपत की राजनीति को स्वच्छ बनाने में हम अपना पूर्ण योगदान देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।